गुड मॉर्निंग, मैं हूँ राइडर अपराजिता और मैं लद्दाख राइड पे हूँ और आज हम लेह से जा रहे हैं हानले। तो ये है मेरा भैया, ये है चिन्मय दादा। थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि ये ऑयल लेने के लिए जगह नहीं मिलेगा सोच के, पर हो गया है। दोनों बाइक के लिए 20-20 लीटर्स हम लोगों को कैरी करना है एटलीस्ट, तो उसके हिसाब से हो रहा है। अगर पहले का एपिसोड आप लोग नहीं देख रहे तो आप देख सकते हैं, और अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये बहुत काम आ रहा है। मम्मी जो बचा के रखते हैं ना धारा का ऑयल बॉटल, ये हम लोगों का बहुत काम आ रहा है। तो ये कारू पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने ये फ्यूल भर लिया। यहाँ पे 2 रखा है और पीछे का वहाँ 2 जाएगा और यहाँ भी जाएगा सैडल बैग पे। तो देखते हैं भैया मैनेज कर रहा है। हमने कारू पेट्रोल पंप पे ये फ्यूल फिल कर लिया। न्यूमा बोल के जगह है, वहाँ पर भी पेट्रोल पंप है, पर कभी कभी वहाँ खुला रहता है, कभी कभी बंद रहता है। तो बेटर यहाँ पे हम लोगों ने भर के जाए। तो हम उमलिंगला जाएंगे, ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ जाएंगे तो 700-800 किलोमीटर तक हम लोगों को पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो इसके वजह से हम लोगों ने ऐसे ले लिया है, और ब्लैक में खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, बहुत दाम लेते हैं। तो अभी मैं इस बाइक को अकेले उठाने के लिए नहीं, हाँ उठा लिया, बस हो गया। अभी 20 kg मोर बढ़ गया है वेट। अभी हम हैं कारू पे, तो आगे जाके हम लोगों को मिलेगा उपसी। उपसी से हम लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट जाने के बाद हम चुमाथांग होके माहे होके हम जाएंगे न्योमा तक, और लोमा ब्रिज बोल के एक है, लोमा ब्रिज से हम राइट साइड जाएंगे और उससे सीधा हम हानले पहुँच जाएंगे। ये है ब्रेकफास्ट, आलू का परांठा। अभी पहुंच गए हैं हम खराब रास्ता, यहाँ हमें बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा। पहले तो मैं वाइजर खोल लेती हूँ क्योंकि फोगी हो जाते हैं। ये मजा, मौजा ही मौजा, इन्हें क्या देखो ना लहे लहे आब लगे और भारी वेट थोड़ा कारण बाइक प्लस पीछे बहि थकाटर कथाओ मन रखी। पीछे हम पहुंच गए हैं अच्छे रास्ते में। उप से पहुंचने के लिए अभी हम लोगों के पास शायद और 3 किलोमीटर है। अभी हमें लेफ्ट लेना है। अगर राइट साइड जाएंगे तो वो मनाली होगा। अभी हम हानले जा रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड लेंगे। तो ये देखिए हानले अभी यहाँ से है 201 किलोमीटर। पत्थर का पहाड़ कितना सुंदर है। ये टाइम हुआ है 10:22 और लेह से 64 किलोमीटर्स आ गए हैं। रात होने से पहले हमको हानले पहुंचना है किसी भी हाल में। 66 किलोमीटर्स हम आगे आ चुके हैं और यहाँ इतना इमान धुनिया व्यू आसे ইয়াতে মোর অসমিয়া ওলাইছে, কারণ যেতিয়া আবেগ ব্লক বাহিরত আহে অসমিয়া হয়ে আহে ন অসমিয়া ভাষাতে। তো চাওকচোন ইমান ধুনিয়া ভিউ, আর ঠান্ড মে মেরা পুরা राफ हो गया है, स्किन पूरा जलता है स्किन। अभी आगे और सुंदर नज़ारा है। अभी मतलब ऐसे अगर रुक रुक के जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा सो लेते हैं यहाँ और जाते हैं आगे। प्रथम नदी खन जो मैं मैडम শিল শিলবিল এনেকুৱা আছিলে, মানে ওখ চাপৰ মানুহবিলাকৰ কাম নাই নেকি নদীত বাইক চলাব যায় যে, কিনারে ফটো ফটো খিচলিয়া খিচ কে হম ফির নিকল রে হ্যাঁ। আর মেলা গোপ্রো কাজ থা ইস্যু চল রা কি বীচ বীচ মে মে রেকর্ড নই কর পা রি হু, মতলব ব্যাটারি কো খোলনা পড়তা হ্যাঁ ফির রেকর্ড করতে গিয়ে। हमें आगे से एक रास्ता मिला था देखने में छोटा लगा, इसलिए हम इसे इधर आ गए, पर वहाँ नीचे से जाना था। अभी आगे से जाते हैं, पता नहीं रास्ता कैसा होगा पर देखते हैं। छोटा सा रास्ता दिखाई दिया था मुझे, इधर ही कहीं था। अभी ऑफ रोडिंग हो सकता है
नहीं ऑफ रोडिंग नहीं है। तो दूसरा रास्ता शायद लैंडस्लाइड हुआ, मतलब स्टोन स्लाइडिंग होता है ना, तो इसके लिए यहाँ से इसे खोल दिया है शायद। आने में मज़ा आ रहा है, आयरन ब्रिज क्रॉस करके आना पड़ा है। BRO यहाँ पे काम पे लगा हुआ है, ऐसे बाइकर्स लोग आ रहे हैं यहाँ से। पत्थर का घर, पत्थर से बनाया है ये घर। हाँ ये देखिए पहाड़ के वाल जैसे ऐसे बन गया है, दीवार जैसे देखिए सीधा। अभी हम पहुंच गए हैं पर्पल पहाड़, पूरा स्टोन का माउंटेन पर्पल कलर का, पूरा मिट्टी सब कुछ ये पर्पल पर्पल है, देखिए ना। ये पत्थर चिन्मया उठा के लेकर आए हैं, पूरा पर्पल पर्पल, मजा ना। ये तो मैंने अखमत देखी बोले ना पाओ ना पाओ ब्लैक डोरनर वस्तु है ना साइड रिसो। हां ये पहाड़ तो पूरा ब्लैक। नीचे जाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते जैसे भी जहाँ से गए हैं ना वहीं से। बैग थोड़ा सा भारी है तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है जाने में। अरे बाबरे पहुँच गए। এ বা অকমান ইয়াতে আরাম কৰিছো আমি, থোড়া খেল কুদ হো রহা হ্যায় বচ্চে লোগো কা। তো উপসি ক্রস করনে কে বাদ অভি আ রহে হ্যায়, तो ये इतना सुंदर सा जगह हम लोगों को मिला देखने को। हम सीधा रूट के नीचे आ गए, नदी के किनारे बाइक लेकर आ गए, बाइक वहाँ पार्क कर दिया और हम यहाँ थोड़ी देर ऐसे फ़ोटो वोटो खींच के थोड़ा सा रेस्ट लिया है। और हम अभी तक आए हैं 113 किलोमीटर लेह से, और अभी चुमाथंग पहुँचने के लिए और आधा घंटा लगेगा शायद, और 25 किलोमीटर है। वो देखिए भैया सबका वीडियो बना रहा है, मेरा वीडियो बना लिया। उसको अच्छा लगता है मतलब हम लोगों का फ़ोटो खींच कर देना, पर वही उसका खुद का फ़ोटो बहुत कम हो जाते हैं। एनर्जी लेवल मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये देखो कितनी हाइट पे दूर भाग रहे हैं, देखो देखो। भैया का भी ऑफ रोडिंग का बहुत शौक है, तो उसने कहा नहीं मैं चलाऊंगी थोड़ा, तो उसने ले लिया बाइक। अभी मेरा सांस फूल रहा है और हम फिर से निकल रहे हैं हनले तक। हनले तक जा रहे थे तो बीच में रिवर के किनारे दिखाई दिया ये खूबसूरत हॉर्सेस, वाइल्ड हॉर्सेस। नो डट नो डट नो डो नो डो। ये मोमोज ऑर्डर किया है और भैया ने दाल, ये है तीखा चटनी, तीखा चटनी के साथ मैं खाऊंगी मोमोज। थोड़ा सा बॉयल थोड़ा सा कम है, पर पहाड़ में ऐसे ही होते हैं। और अभी मैं हूँ समाथा और
खाने के लिए अभी और 118 अप्रोक्स लगेगा। तो ये खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं। रास्ते में बहुत रुक रुक के जाने वाले हैं क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसे है, रोक देते हैं। ये याक देखिए, ब्लैक होके ऐसे वो घास खा रहा है। हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीच बीच में ऐसे देख रही हूँ, इसलिए स्टॉप कर करके देख रहे हैं। बाय बाय याक, आप लोग घास खाइए। अभी हम लोगों को वाइल्ड हॉर्सेस देखने को मिला। ये मम्मी के साथ बच्चा भी है, ये रास्ते के किनारे ही ऐसे खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। कितना शांत है ये लोग। तो अभी हम पहुंच गए हैं माहे। तो राइट साइड में है समोरेली, आगे है हनले, तो हम सीधा जाएंगे। ये नज़ारा देखिए, थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहे हैं, ठंड ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे। व्यू काफ़ी ज़्यादा है यहाँ, हॉर्सेस भी हैं। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना सुंदर जगह। बारिश भी हो रहे हैं, धूप भी हो रहे हैं, देखिए ये भीगा भीगा हो गया है। हम रेनकोट वगैरह पहन गया और धूप भी आ गए हैं। मतलब सच में मुंबई का फैशन और लद्दाख का मौसम दोनों को भरोसा नहीं कर सकते हैं। और आगे देखिए, आगे भी काला 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 छाया जैसे बादल है। नया हुआ पेट्रोल पंप जो हमें कारू पेट्रोल पंप पे बताया था ना कि यहाँ पेट्रोल पंप है पर बंद रहता है या खुला रहता है, भरोसा नहीं है। तो अभी तो कोई नहीं है यहाँ पे, या वो है क्या, कोई है यहाँ, पेट्रोल नहीं है। तो हम फिर से आगे जाते हैं, पर ऐसे ही पूछ लिया एक बार। एज एक्सपेक्टेड यहाँ कोई पेट्रोल नहीं है। वहाँ देखिए बादल, ये धूल है कि बादल है समझ में नहीं आ रहा है, पर बारिश जैसा लग रहा है ना, बारिश हो रहा है या बहुत ज़्यादा विंड। देखिए ना ये व्यू, रुकने का बहुत मन करता है। हम थोड़ा आगे आते हैं, ऐसा होता जाता है, ये बढ़िया है, ये परफेक्ट है ऐसा लगता है। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये बढ़िया है ऐसा लगता है। और कितना अलग पैटर्न है, देखिए ना एकदम जैसे पॉलिश किया गया है ये पहाड़। हाँ कॉन्ट्रास्ट भी देखिए, ये देखिए ब्राउन, फिर पर्पल, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर येल्लो। ये मुझे डेजर्ट जैसा लग रहा है, मैं पहले बताई थी ना डेजर्ट जैसा, ना ये वाला डेजर्ट जैसा ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ बकरी दिख रहा है और बकरी के साथ एक कुत्ता भी है, जो कुत्ता गाइड करते हैं, बकरी को ले जाते हैं। कितना खूबसूरत है कि जो मैं देख रही हूँ ना वो आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगी 100% क्योंकि कैमरे में नहीं आता है इतना परफेक्टली चीज़ें। हम पहुंच गए हैं लोमा चेक पोस्ट। तो लोमा चेक पोस्ट पे एक ब्रिज है, यहाँ आगे देख सकते हो। तो यहाँ हम लोगों को एंट्री करवाना है। ये है लोमा ब्रिज, अभी लोमा ब्रिज से हम एंट्री किया। और धूप और क्लाउड का शेडो ने कैसा एक पैटर्न बना दिया है पहाड़ के ऊपर। हानले सीधा है, लेफ्ट में डूबती जाते हैं, हमें सीधा जाना है। न्योमा हम क्रॉस करके आए हैं पीछे, तो साइड में रुक जाते हैं ताकि वो व्हीकल जा पाए। देखो कैसे आ रहे हैं, जाओ ना। यहाँ से आ गया, हम वहाँ से जाने वाले थे, ब्रिज देख के यहाँ से आगे। इतना लीक कैसे हो रहा है, बहुत तो सुना है। पता नहीं क्या हो रहा है, गुंधा से पेट्रोल पेट्रोल गुंधा से निकी चुआसन एबार, कारण ये ऑन हो पानी हम पारे, पानी ये ऑन हो पाइप तो आमार
ও না হ্যাঁ এটা লাভা পড়িয়ে আছে পানি নেকি গুড়ি চোৱাচোন পেট্ৰল নহয় নেকি এইটো অন হৈ আছিলে পাইপটো ইমান কেনেকে পৰিলে এইটো চোৱাচোন এইটো অন হৈ আছিলে পৰিছে নেকি ইয়াৰ পৰা চা এইবাৰ প্ৰেছ হৈ আছিলে এইটো অন হৈ আছিলে যে এইটো প্ৰেছ এটাৰ কাৰণে পৰিছে চাগে মইও নাই পোৱা গোন্ধ মই ভাবিছোঁ আকৌ কি কলি লাগিলে বুলি পানী পানী পেট্ৰলেই ভৰাই লৈ আহিছো আমি আৰু আমাৰ লিক হোৱা এটা ইছ্যু হৈছিলে প্ৰথমতে সেইটো কাৰণে ভাবিলো লিক হ'ল নেকি अभी मैं हूँ कहाँ पे बोलिए डेजर्ट पे रेगिस्तान जैसा लग रहा है क्योंकि चारों तरफ रेत 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 है और यहाँ से हानले 30 किलोमीटर दूरी पर है और देखिए ना इतना अच्छा लग रहा है ये मैं फर्स्ट ऑफ रोडिंग ट्रेनिंग ऐसे रेत पे ही मैंने किया था मयूर महंतो मयूरा ने मुझे सिखाया था तो ये बहुत टाइट रेत है यहाँ चलाने में बहुत आसानी है मैं जहाँ चलाई थी बहुत ढीला रेत था तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर लागेज ना होते तो मैं यहाँ चलाती एक दो बार ऐसे घूम के आती और हालने जाने के बाद तो हम लोगों का एडवेंचर शुरू होगा ना कल हम लोग का एडवेंचर शुरू होगा तो मैं हूँ लद्दाख राइड पे ये मेरा ड्रीम राइड था ड्रीम राइड है और इस ड्रीम में मैं अभी जी रही हूँ तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और कुछ भी है तो मेरे कमेंट पे आप बोल सकते हैं अच्छा लगता है कमेंट पे आप लोग जब बोलते हैं तो बहुत साहस मिलता है ऐसे ऐसे राइड करने में तो चलिए चलते हैं फिर से अभी हान लेके जाने से रास्ते में ऐसा डाइवर्जन मिला तो ये ज़्यादा लंबा रूट नहीं है इसका गेट बनाया है इसलिए ये डाइवर्जन है रास्ता इतना ख़राब नहीं है बस थोड़ा सा हानले के लिए जो रास्ता से आते हैं ना वो रास्ता पूरी रास्ता ऐसे ही ज़्यादा मिलता है तो मुझे लगा ये थोड़ा सा ख़राब रास्ता मिलेगा पर अभी तक ख़राब रास्ता मिला ही नहीं तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है हालने और है 3 किलोमीटर दूरी पे और अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी सब खाली खाली है लग रहा है उस पहाड़ के पीछे होगा पहाड़ के पीछे ही है हालने शहर और इस पहाड़ के ऊपर कुछ है एक किला जैसा वो क्या है बताऊंगी मैं बाद में अगर पता चले तो हानले एकदम सीधा हाँ अफ्रूट पाए गलो सिन मैं ना हाँ कमोन 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 फाइनली हम लोगों को मिल गया है अफ्रूट का ये रास्ता पर ये ज़्यादा अफ्रूट नहीं है अगर गिरूंगी तो पता चल जाएगा कि ज़्यादा अफ्रूटिंग है मुझे ऐसे जाने का मन कर रहा है पर पीछे हैं भैया और आगे सब कुछ टैंक बैग भी हैं आगे तो पोजिशन मेरा सही नहीं होगा ए मज़ा एस्ट्रोनॉमी के लिए एक ऑब्जर्वेटरी है हानले इसके लिए बहुत फेमस है वहीं गाड़ी जा रहा है देखिए कैसे बाइक हिल हिल के आ रहा है अभी ऑफ रोडिंग ख़त्म हुआ ऐसा लग रहा है अभी भी ख़राब रास्ता ही है ये है मेरा इस ट्रिप का पहला लॉन्ग ऑफ रोड मिलने से अच्छा लगता है अभी कॉलेज आप ले पढ़ना है तो सर आगत कोई विचारोगे नहीं ये देखिए बोल सब ठीक है कि मेरे को भी चिंता आते रहते हैं यहाँ एंट्री करना पड़ता है सिटी मतलब क्या हालने पहुँचने से पहले तो अभी हमको राइट साइड से जाना है वहाँ साइड होमस्टे वगैरह मिल जाए ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गया है पूरा रास्ता ऑफ रोड ही था तो अभी
थोड़ा आगे जाके हमको देखना है, होम स्टे वगैरह ढूंढना है। ये याक भी है, रास्ता बहुत छोटा है तो। ये भी है एक, ये क्या है, नोबट, यही है क्या? आज 10 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने बाइक चलाया, यहाँ रूम नहीं मिला। बहुत लोग आते हैं पर ये हान लेना बहुत छोटा है। তো আসামকে মিল গে রাইডার্স তো গামোচা দেখি সুধিলে ঠিক আছে পড়া যাচ্ছে ফুটিয়ে আগে টান হয় হয় তো এটা কতুয়ে কতুয়ে নাপাম নেকি ওচৰ থাকিলে এটা কণ্টেক্ট থাকিব পাৰে এটা বহুত দিগদাৰ হ'ব ঠিক আছে বেলেগ মই অপৰাজিতা সুদীপ্তা ঠিক আছে বাৰু ঠিক আছে আমি এৰি থৈ আহিলোঁ নহয় বাৰু সুধিমগৈ প্ৰথমতে আগত সুধি লওঁ ইয়ে দেখে না পাহাৰ স্কাই দেখি স্কাই ও মাই গড इससे चक्कर में मैं स्काई ही नहीं देख रही हूँ अभी भैया ने कहा कि स्काई देखो ऊपर देखिए क्लाउड कैसे ये हो रहा है ये है मैं हाँ ठीक है और बाथरूम बाथरूम यहाँ कॉमन है मैं साफ है ना हाँ साफ होगा ना साफ कहाँ होगा बहुत कचरा है साफ होने से कोई बात नहीं आप कॉमन हाँ बढ़िया 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 फाइनली हमको एक होम स्टे मिल गया पर अभी हम प्राइस वगैरह पूछ लेते हैं भैया कैसे दे रहे हैं ये 3000 3000 एक रूम का हाँ थोड़ा इसके साथ डिनर भी है ब्रेकफास्ट थोड़ा कम कर सकते हैं ये ठीक है बहुत ढूंढा बहुत ढूंढने के बाद एक हम लोगों को होम स्टे मिल गया होम स्टे मतलब एक घर ही है गेस्ट जैसे रखते हैं तो हमारा रूम ये है कितना ढूंढा बहुत तकलीफ हुआ आज मोर अवस्था गया কেনে লাগিছে অনুভৱ তোমাৰ অনুভৱ কেনে চিনেমা এটা ঠাণ্ডা এনেও বেয়া পায় আৰু ইহঁতে কি কৈছিলে এইটো টাইমেই গৰমৰ সময় হয়নে জুই ধৰা নাই আমাৰ অৱস্থা বেয়া আমি ৰুটি আলু ভাজি আৰু দালি খাই আছোঁ আৰু ইয়াতে আমি য'ত আছোঁ যিটো জেগাত আছোঁ ঘৰ হি হে জেছে হাম ঘৰ কে গেষ্ট হে এছে দে ৰহে হে লোক তো ই লোক অলগ অলগ জেগা সে আয়ে হে অৰ হাম তিনো মাৰ 25 গাড়ীও কোন হে আৰে বাপ ৰে সব ৰে জেগা ৰুকে সব কল হাম লোক কা অফ রুটিং মেৰা অফ রুটিং হোগা তো কল জায়েঙ্গে উমনিং না তো খানা খা কে বাদ মে মিলতে হে हनले तक अगर आपको आने का प्लान है तो ये ज़रूर ख्याल रखिए क्योंकि पहले शायद आप होटल या होम स्टे बुक करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा हम लोगों ने नहीं किया तो ऐसा हुआ तो कल हम निकलेंगे उमलिंगला और वहाँ जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पर अभी मुझे बहुत ठंड लग रहा है इसलिए मैं एक्साइटेड वो फील नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं कांप रही हूँ तो कल ही मिलते हैं उमलिंगला पे चलिए चलते हैं आज के लिए गुड बाय